हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरके जी के ट्रिक पर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं राजस्थान डीपीसी को लेकर न्यू अपडेट हमारे पास आई है। लेटेस्ट अपडेट है, 9 अक्टूबर की अपडेट है। क्या अपडेट रहने वाली है? अब 4 साल की डीपीसी होगी और थर्ड ग्रेड को लेकर भी अपडेट आई है। सभी पर हम बात करेंगे। डीपीसी की पात्रता सूची जारी होगी। थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी होगी और इसी से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। डीपीसी को लेकर जो हमारे पास अपडेट आई है वही हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं। जो भी शिक्षक शामिल होना चाहता है जरूर शामिल हो सकता है। आपको हमें व्हाट्सएप ग्रुप का जो डीपीसी ग्रुप है उसमें ऐड कर देंगे। तो इन नंबरों पर आप हमें मैसेज कर देना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। 80 58 85 13 75 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी शिक्षक शामिल होना चाहता है, चाहे वो थर्ड ग्रेड का शिक्षक हो या फर्स्ट ग्रेड का हो या सेकंड ग्रेड का हो या वाइस प्रिंसिपल हो, सभी आप मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये इंफॉर्मेशन आज की है, यानी 9 अक्टूबर की इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं आपको। देख लेते एक बार। वरिष्ठ शिक्षक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए शिक्षा विभाग की तैयारी ने प्रदेश की 5657 स्कूलों की चिंता बढ़ा दी है। ये वे स्कूल है, अब तक उनमें व्याख्याता पदों की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके चलते वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति के बाद भी उन्हें व्याख्याता नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में शिक्षक संगठनों ने पदोन्नति के साथ उन स्कूलों के पदों की वित्तीय स्वीकृति की मांग की है। ठीक है, 2 साल की पदोन्नति, 4 साल की मांग, 4 साल की मांग की गई है। सभी को मालूम है आरपीएससी के पास अनुमोदन भेजा गया था 2021 और 2022 और 2023 की 270 की बकाया डीपीसी पर ही आपकी ये मांग भेजी गई थी आरपीएससी के पास। लेकिन इसके बाद 2023 और 2024 की बकाया डीपीसी व 2024 और 2025 की नियमित डीपीसी फिर भी बाकी रहेगी, जिसकी वजह से शिक्षकों के 2 से अधिक संतानों का मामला कोर्ट में विचाराधीन होना है। शिक्षक संगठनों ने मांग की है कि मामले से जुड़े शिक्षकों को छोड़कर बाकी शिक्षकों की 2 सत्रों की डीपीसी शिक्षा विभाग के साथ करनी चाहिए। तो ये मांग की गई है। आप सभी को मालूम है जिनके 2 से अधिक संतान हैं उनका मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन जो हमारा संगठन है शिक्षा विभाग का, उनके द्वारा कहा गया है कि जिनकी 2 संतानें से ज़्यादा है उनको डीपीसी रहने दे, बाकी अन्य जो शिक्षक हैं उनकी तो डीपीसी होने चाहिए। तो ये उनकी मांग की गई है। एक परिपत्र तैयार किया गया है और शिक्षा विभाग को भेजा गया है। ठीक है, 18,000 पदों का इंतजार। पिछले 5 साल में 3,832 माध्यमिक व 1,825 उच्च प्राथमिक स्कूलों उच्च माध्यमिक में कर्मरत हुई है। इनमें 18,000 से ज़्यादा व्याख्याताओं की नियुक्ति होनी है, पर पदों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने से इन पदों का अब तक इंतजार है। ठीक है, थर्ड ग्रेड शिक्षकों की राह खुलेगी, देख लेते। वरिष्ठ शिक्षकों की व्याख्याता पद पर पदोन्नति से ग्रेड थर्ड शिक्षकों की पदोन्नति की राह भी खुलेगी। ये डीपीसी भी 4 साल से बाकी है। अभी प्रदेश में वरिष्ठ शिक्षकों के 33,000 पद खाली है जो डीपीसी के बाद और बढ़े जाएंगे। तो ये आपकी डीपीसी होगी। पात्रता सूची की मांग भी की गई है, देख लेते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा डीपीसी की पात्रता सूची जारी नहीं करने पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। ऐसे में पात्र शिक्षक डीपीसी से बाहर होने पर भी उस पर आपत्ति नहीं कर सकेंगे। लिहाजा शिक्षकों ने डीपीसी से पहले पात्रता सूची जारी करने की मांग भी की है। संबंधित शिक्षकों का कहना है कि जब तक सूची जारी नहीं होगी न तो वह उस पर आपत्ति जता सकेंगे और न ही स्थिति पूरी स्पष्ट होगी। तो यह हमारा संगठन है शिक्षा विभाग का, उनके द्वारा कहा गया है कि आपको पात्रता सूची भी जारी करनी चाहिए, जिससे हमारा कोई भी नाम वगैरह में कोई भी दिक्कत हो तो हम उसको अपडेट करवा लें। यह उनकी मांग रखी गई है। ठीक है, अब यह और देख लेते हैं। कर्मोन्नत स्कूलों में पदों की वित्तीय स्वीकृति के साथ शिक्षा विभाग को 4 सत्र की डीपीसी साथ करनी चाहिए। इससे शिक्षकों के साथ शिक्षण व्यवस्था को भी फायदा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह आपके आज की इन्फॉर्मेशन थी। 9 अक्टूबर की इन्फॉर्मेशन में बता रहा हूँ। बसंत कुमार जयानी, प्रदेश प्रवक्ता, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेष्टा की है ये। इनके द्वारा कहा गया है कि 4 सालों की पदोन्नति की जाए। 2 साल की जो आपकी हो रही है उनकी भी मांग की गई है कि 4 साल की आपकी डीपीसी हो। जो डीपीसी आपकी हो रही है सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की जो डीपीसी हो रही है वो 4 साल की हो। जिनके 2 से अधिक बालक हैं उनकी रहने दो, बाकी अन्य शिक्षकों की होनी चाहिए। बात करेंगे थर्ड ग्रेड की भी शिक्षकों की। जैसे ही आपकी ये सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी हो जाती है तो फिर आपकी थर्ड ग्रेड की डीपीसी भी कन्फर्म श्योर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन रखना है, जिससे हर इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होती रहे। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।